जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, वैसे ही जीवन में कई लोग या चीजें आती जाती रहती है, जो कि मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ा है, लेकिन जाने से पहले काफी इम्पैक्ट भरा काम भी करा हुआ है। जो कि यह एक टेक चैनल है, इसलिए अगर हम उसी मर्यादा में भी रहकर अगर बात करें तो हमारे पास में फिर भी काफ़ी ज़्यादा उदाहरण बच जाते हैं, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद हम और आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूँ तो फिलहाल का ही उदाहरण लेना चाहूँगा, मनु कुमार जैन जो कि Xiaomi से जिन्होंने इस्तीफा दिया, साथ ही मैं कार्ल पे की भी बात करना चाहूँगा जिन्होंने OnePlus को छोड़ के यहाँ पर नथिंग को स्टार्ट करा। हालांकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग भी रहे हैं जिन्होंने कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छा काम करा, कुछ ऐसी चीज़ों को डेवलप करा जिन्हें हम और आप आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वो तभी भी पब्लिक अपीयरेंस देना पसंद नहीं करते थे। जैसे कि मैं हाल ही में बात करूँ तो एक उदाहरण मेरे दिमाग में आता है जेफरी हिंटन का, जिन्होंने गूगल के अंदर 10 सालों तक AI में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करा और अभी अभी जाकर कंपनी को यहाँ पर छोड़ा है ताकि वो AI से जुड़े हुए खतरों के बारे में पब्लिकली बात कर पाए। लेकिन आपको बता दूँ कि इन्हें गॉड फादर ऑफ AI कहा जाता है, जो कि ये अगर नहीं होते तो शायद हमें AI डेवलप करने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन अब उस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं जिसके लिए तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक करा है, माधव शेठ की बात करते हैं जिन्होंने अभी अभी Realme को छोड़ा है, जो कि यहाँ पर खबरें तो मार्च से ही उठना चालू हो गई थी, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट करा था कि माधव शेठ कंपनी को छोड़ने वाले हैं। जो कि तुम लोगों को बता दूं कि उसके अगले ही दिन माधव शेठ ने एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट करा और ये बताया कि उन्होंने जो है VP ऑफ बिजनेस, जो कि Realme का इंटरनेशनल बिजनेस होने वाला है, उसको संभालेंगे, जो कि यहाँ पर इंडिया से उनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी Realme में बन जाते हैं, जो कि वो ग्लोबल मार्केट को संभालने वाले थे, जिसके बाद से माधव शेठ जो है Realme के इवेंट्स में दिखना काफी ज्यादा कम हो गए। हालांकि जब अभी अभी Realme का 11 Pro सीरीज लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर, जहां पर इन्होंने शाहरुख खान को एज अ ब्रांड एम्बेसिडर साइन करा, वहां पर भी ये मिसिंग थे। लेकिन हाल ही में 14 जून को माधव शेठ ने एक ट्वीट करा, जो यहाँ पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत लिखा और ये क्लियर कर दिया कि वो कंपनी को छोड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि गुडबाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, जो कि इस खत के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग माधव शेठ के करियर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि उन्होंने इतने सालों तक आखिर करा क्या है, जिसके लिए हम उनके लिंक्डइन हैंडल का सहारा लेंगे। तो उनके लिंक्डइन के मुताबिक 2003 में ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जहाँ पे वो 2003 में एक US कंपनी के अंदर एज अ इंटर्न ज्वाइन हुए थे, जो कि उसी कंपनी के अंदर वो एज अ सेल्स मैनेजर रहे 2004 से लेकर 2007 तक में। उन्होंने एक कंपनी स्विच करी और दूसरे US कंपनी के अंदर सेल्स डायरेक्टर की जॉब करी, जहाँ पर वे 2010 तक तो सेल्स डायरेक्टर थे, लेकिन 2010 से लेकर 2016 तक उन्हें कंपनी का MD एंड CEO बनाया गया। जहाँ पर मैं बात करूँ तो 2016 के अंदर उन्होंने ओप्पो को ज्वाइन करा एज अ सेल्स डायरेक्टर, जहाँ पर उनकी मुलाकात स्काई ली से होती है और यही से जो है Realme की शुरुआत होती है। यानी कि स्काई ली और माधव शेठ इन दोनों ने मिलकर Realme को स्क्रैच से स्टार्ट किया, जहाँ पर 2018 में उन्होंने अपना एक पहला स्मार्टफोन लॉन्च करा, जो कि Realme 1 था, जो कि एक इंडिपेंडेंट डिवाइस नहीं था, जहाँ पर उनके साथ में ओप्पो की ब्रांडिंग थी, ओप्पो का ओप्पो की तरफ से बैकिंग थी, जो कि आज भी अगर आप देखोगे तो Realme और ओप्पो और OnePlus के बॉक्स में भी आपको ओप्पो का जो है फैक्ट्री देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये स्मार्टफोन्स जो है असेंबल होते हैं। हालांकि Realme 1 एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट था, उसी के बाद में ओप्पो वालों ने इसे एक एज अ सेपरेट ब्रांड को इंट्रोड्यूस करा, और Realme 2 सीरीज के बाद में जो है ओप्पो ने अपने लोगों को Realme के स्मार्टफोन के ऊपर लगाना बंद कर दिया, पर माधव शेठ को एज अ CEO अपॉइंट कर लिया गया इंडिया के अंदर। लेकिन तुम लोगों को बता दूं कि माधव शेठ ने अभी अभी Realme के अंदर VP ऑफ बिजनेसेस को जो है हैंडल करना स्टार्ट करा था, जो कि अभी 14 जून को उन्होंने यहाँ पर Realme से रिजाइन कर दिया। जहाँ पर अगर हम उस लेटर की बात करें तो वहाँ पर माधव शेठ ने लिखा है कि Realme उनके लिए उनके जीवन का एक अभिन्न भाग है, जहाँ पर वो आगे लिखते हैं कि Realme उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ के उनके लिए एक जुनून, घर और उद्देश्य रहा है। साथ ही में जब वे Realme के अंदर थे तो उन्होंने अपने कुछ माइलस्टोन को शेयर करा, साथ ही में अपने फैंस और अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोला, साथ ही में अपने टीम को भी थैंक यू बोला।
तो अब आगे क्या? तो तुम लोगों को बता दूं कि जब उन्होंने रिजाइन करा, उसके कुछ दिनों पहले IANS की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई कि माधव शेठ जो है ऑनर को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग भी मेरी तरह किसी पत्थर के नीचे रहते हो और तुम लोगों को नहीं पता कि ऑनर क्या है और इंडिया के अंदर क्यों बैन हुई थी, तो तुम लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। ऑनर जो है एक हुआवे का सब ब्रांड है, 2019 में बैन हुई थी इंडिया के अंदर US के अंदर। इसका रीज़न ये था, US गवर्नमेंट ने हुआवे को बैन करा था कि वो किसी भी US कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ना ही उनको गूगल का एंड्रॉयड मिलेगा, ना ही क्वालकॉम के चिपसेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मजबूरन हुआवे को अपना इंटरनेशनल बिजनेस बंद करके सिर्फ US में ही रहना पड़ा। जो कि तुम लोगों को बता दूं, सी के बाद में हॉनर को हुआवे ने एक डिफरेंट ब्रांड को बेच दिया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि हॉनर जो है इंडिया के अंदर कमबैक कर सकता है। लेकिन तुम लोगों को बता दूं, साथ ही में रियलमी की यहाँ पर मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगर हम मार्केट शेयर की भी बात करें ना, तो जैसे रियलमी टॉप 2 में टॉप 3 में रहती थी, वैसे ही अभी चौथे और पांचवी पोजीशन में रियलमी जो है खिसक चुकी है। वो रियलमी नहीं है जिसे मैं देखा करता था, जिसे मैंने पसंद किया था। अगर तुम लोगों को नहीं पता, जो कि तुम लोगों को नहीं ही पता होगा, कि मैंने अभी तक जो है रियलमी के ही ज़्यादातर डिवाइसेस को यूज़ करा है, जो कि हमारे घर का पहला स्मार्टफोन भी रियलमी का रियलमी 1 था, मेरा पहला स्मार्टफोन भी रियलमी का रियलमी 6 था, और जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है रियलमी का रियलमी 9 प्रो। से तुम लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मुझे रियलमी कितनी ज़्यादा पसंद है। लेकिन जिस रियलमी को मैं पसंद करता था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जो रियलमी पहले रेडमी को पोक करती थी उनके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, उन ब्लूटूथ के लिए, वो अब खुद देने लगी है। उनके हाल ही में जो रियलमी का रियलमी 11 प्रो नया स्मार्टफोन आया है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लूटूथ देखने को मिलते हैं, साथ ही में जो इनके एड्स भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही में अरुण सर ने एक चीज़ को पॉइंट आउट करा, जिसकी वजह से रियलमी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अब रियलमी को इन्वेस्टिगेट करेगी उनके डेटा और प्राइवेसी के इश्यूज को लेकर, जो कि तुम लोगों को पता ही होगा कि अगर तुम लोग इंटरनेट पे हो तो प्राइवेसी इज अ मिथ। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि रियलमी का हाल भी OnePlus जैसा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर OnePlus को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल करा गया था उनकी ऑक्सीजन OS से कलर OS की तरफ शिफ्ट होने में, उनकी अलर्ट स्लाइडर की वजह से। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि रियलमी भी कुछ ऐसी चीज़ें करे और मोबाइल एक्सपीरियंस को ख़राब करे। तो शेट ने रियलमी को छोड़ दिया है, रियलमी अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंजेस कर रहा है, जो कि तुम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, जिसके लिए तुम लोग मेरा ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं तुम लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। और तुम लोगों को अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना अपने टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मैं अगली वीडियो कब डालने वाला हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ पर मैंने नथिंग के बारे में बात की है कि कैसे कार्ल पे ने OnePlus को छोड़ा और कैसे नथिंग को शुरू करा। तो तुम लोगों को भी जानना है तो ये वीडियो जरूर देखना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।